Hey guys, I'm Arafat and welcome to WebTech. Guys, मैं फिलहाल हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पर और आज मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ कोलकाता टू हैदराबाद। लास्ट टाइम मैं जो ब्लॉग बनाया था हैदराबाद टू कोलकाता, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करके वो ब्लॉग देख लीजिए। और वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे, तो आज के इस वीडियो में आपको आपका सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं हूँ एकदम एंट्री गेट पर और मैं जाने वाला हूँ अंदर, और यहाँ पर आपको सिर्फ आपका जो ई बोर्डिंग पास है और आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो दिखा के आपको अंदर जाना है। तो चलिए मैं चलता हूँ। तो दोस्तों मैं एकदम गेट के सामने हूँ और मैं अंदर जाने वाला हूँ। जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा ये लोग मेरे बैग को और मुझे सैनिटाइज करके ही अंदर भेजेंगे, तो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों गेट से एंट्री तो हो गया और यहाँ पर जो सिस्टम है, अगर आप फिजिकल बोर्डिंग पास लेके आते हैं तो आपको सिंपली एक ट्रे है उसके ऊपर रखना है, वो लोग कैमरा से देखेंगे। और अगर आप पास ई बोर्डिंग पास है मतलब मोबाइल में है, सिंपली आपका मोबाइल वहाँ से जूम करके आप जो स्टाफ है उनको दिखाना है। और यहाँ से एंट्री हो गया है और आपको जाना है सीधे आपको एयर इंडिया का, और मैं आज ट्रैवलिंग कर रहा हूँ एयर इंडिया में, तो मुझे आप जाना है एयर इंडिया के काउंटर में। तो गाइस यहाँ से एक हेल्थ फॉर्म दिया है कोविड-19 के डिक्लेरेशन के लिए, तो ये आपको सिंपली फिलअप करके आपको यहाँ पर काउंटर में सबमिट करना है बिफोर चेक इन। तो फिलहाल मैं ये सबमिट कर रहा हूँ और इसके बाद में चेक इन करने वाला हूँ, और ये फॉर्म आपको यहाँ पे इस काउंटर में जमा करना है इसकी वे पर। तो गाइज फाइनली यहाँ पर हेल्थ फॉर्म सबमिट कर दिया और यहाँ पर मैं अपना लैगेज भी दे दिया, और मतलब चेक इन मेरा हो गया। और यहाँ से मुझे एक स्लिप दिया जिसमें लिखा हुआ है गेट नंबर 102। मतलब अगर आप ई चेक इन करते हैं तो बोर्डिंग पास में आपका गेट नंबर मेंशन नहीं रहता, ये आपको याद रखना है, और इस काउंटर से ही आपको गेट नंबर मालूम करना पड़ता है चेक इन के बाद। तो फिलहाल यहाँ पर चेक इन तो हो गया, अब मैं जाने वाला हूँ यहाँ पर सिक्योरिटी चेक में। इसी के देख सकते हैं सिक्योरिटी चेक में, वहाँ पर मैं वीडियो नहीं कर सकता क्योंकि सिक्योरिटी रीजन में, और मैं आपको बाहर से एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये है सिक्योरिटी चेक एरिया और यहाँ पर आपका फुल चेकअप करा जाएगा, मतलब आपका जो हर एक चीज़ है वॉलेट से लेकर मोबाइल फ़ोन तक बैग सारे कुछ आपको एक ट्रे के अंदर डाल देना है, और यहाँ पर तो वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों फाइनली मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया है कम्प्लीट और अब जाना है मुझे बोर्डिंग गेट 102 पर। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग गेट की तरफ। जाने से पहले मैं यहाँ थोड़ा बहुत लुक आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये है वेटिंग एरिया, अगर आपका फ्लाइट डिलेड है या फिर अगर आप अर्ली आ गए आपका फ्लाइट का टाइम है तो आप यहाँ से बैठकर वेट कर सकते हैं और बाहर का जो व्यू है उसका मजा ले सकते हैं यहाँ पर बैठ के। तो यहाँ पर आप बाहर देख सकते हैं बहुत सारा प्लेन यहाँ पर रुका हुआ है स्टैंड पे, और कुछ कुछ फ्लाइट यहाँ पर आपको उड़ती हुई है और लैंडिंग होते हुए भी देखने को मिलेगा। तो मैं फिलहाल वेट कर रहा हूँ यहाँ पर वेटिंग एरिया में, और यहाँ से देख सकते हैं पूरा एयरक्राफ्ट आपको दिख रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों मैं आज कुछ कन्फ्यूज़न था लोगों का, वो उसका सवाल का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न था कि अगर आपको आरोग्य सेतु ऐप अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आपको एंट्री मिलेगा या नहीं। आरोग्य सेतु जो ऐप है आपको यहाँ पर कोई भी चेक नहीं किया, हालांकि वहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है, आप आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, मगर यहाँ पर एंट्री के टाइम कोई भी आरोग्य सेतु ऐप के बारे में नहीं पूछा। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप अच्छा है आपके लिए, आप आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बोल देना डायरेक्टली मेरे पर, मैं स्मार्टफोन यूज़ नहीं करता हूँ, तो इससे खत्म। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को डाउट था कि अगर आप बोर्डिंग पास घर से प्रिंट आउट करके लेकर आना जरूरी है कि नहीं, आप सिंपली वेब चेक मोबाइल से करके आप अपने फ़ोन में दिखा सकते हैं, सारे यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस चल रहे हैं सब कुछ, कोई भी आपका फ़ोन या फिर डॉक्यूमेंट्स पे टच नहीं कर रहे, सिंपली कॉन्टैक्ट, इसलिए आपको कैमरा पे अपना स्मार्टफोन दिखा रहा है तो वो लोग अंदर से आपको डिटेक्ट कर रहा है। तो ये कुछ कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस है, अभी कोविड-19 के लिए ये ज़रूरी भी है कॉन्टैक्टलेस पूरा प्रोसीजर को करना। और जी हाँ, अगर आप बोर्डिंग पास प्रिंट आउट करके लेके आ सकते हैं, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो सिंपली आप लेके आ सकते हैं।
दोस्तों मेरे फ्लाइट का तो थोड़ा टाइम है, इसलिए चलिए तब तक कोलकाता एयरपोर्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों लगभग सभी एयरपोर्ट पर आपको शॉपिंग का सुविधा देखने को मिलता है, जैसे कि आप एयरपोर्ट से अपने क्लोथ से लेकर वॉच बैग से लेकर ज्वेलरी से लेकर बहुत सारी चीज़ यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। बड़ा बड़ा ब्रांड का आउटलेट यहाँ एयरपोर्ट के अंदर देखने को मिलता है, आप वहाँ पर जाके सिंपली शॉपिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है तभी शॉपिंग करना, क्योंकि यहाँ का रेट बाहर के कंपेरिजन में थोड़ा हाई ही रहता है। और दोस्तों अगर आपको भूख लगे तो यहाँ पर थोड़ा खाना पीना भी कर सकते हो, यहाँ वाव मोमो से लेकर बहुत सारे केएफसी का स्टोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ से आप चाहो तो अपने टाइम पास के लिए बुक भी पढ़ सकते हो अपने पैसे से खरीदने के बाद, और यहाँ पर आपके बच्चों का खिलौना वगैरह सब कुछ परचेस कर सकते हो। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सेकी हो रहा है क्योंकि इस फोन में मेरा EIS सिस्टम नहीं है। जल्द ही मैं एक कैमरा लेने वाला हूँ, जैसे ही मेरे चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर हो जाएगा तभी मैं एक नया कैमरा लेने वाला हूँ। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग के साथ साथ टेक वीडियोज तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ फिलहाल अपने गेट नंबर पर, वरना बोर्डिंग हो जाएगा और मुझे छोड़कर प्लेन उठ जाएगा। फिलहाल मैं हूँ बस के अंदर और अब मैं जा रहा हूँ एयरक्राफ्ट की तरफ। बोर्डिंग गेट पर थोड़ा लेट हो गया इसलिए वहाँ का वीडियो शूट नहीं कर पाया, और यहाँ का नज़ारा देख के दिल हो गया खुश। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं जाने वाला हूँ एयरक्राफ्ट के अंदर। तो चलिए आप भी मेरे साथ देखते हैं अंदर का व्यू। दोस्तों बोर्डिंग गेट पर ये फेस शील्ड और मास्क और एक छोटा सा सैनिटाइजर का बोतल दिया था एयर इंडिया की तरफ से बोर्डिंग गेट पर। और फिलहाल हम खड़े हैं लाइन पर एयरक्राफ्ट के अंदर जाने के लिए, और यहाँ पर टेम्परेचर मापा जा रहा है, उसके बाद ही एयरक्राफ्ट के अंदर हमें जाने की इजाज़त दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया क्योंकि ये प्लेन जब टेक ऑफ करने के लिए रन कर रहा था तब मैं वीडियो शूट करा और मैं ध्यान नहीं दिया, रिकॉर्डिंग का बटन दबाना ही भूल गया और कब से फ़ोन पकड़ के मैं बैठा था और वो कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। खैर वो तो गया। अब ये नज़र आप देखो, अभी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला है। क्लाउड के बीच से ये जाता हुआ प्लेन बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब रेस्ट कर लेते हैं 1 से 1.5 घंटे, उसके बाद मिलते हैं हम आपको हैदराबाद पर। तो हम आ गए वापस से अगेन बस के अंदर। अब हम जा रहे हैं बस से एयरपोर्ट की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये था एयर इंडिया का एयरबस जिससे हम अभी कोलकाता से हैदराबाद आए, और यहाँ का मौसम देख सकते हैं आते ही बारिश स्टार्ट हो गया या फिर पहले से ही हो रहा था यहाँ पे, तो काफ़ी ठंडा ठंडा कूल कूल वेदर है यहाँ का। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो दोस्तों फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपना लैगेज कलेक्ट करने के लिए, और दोस्तों मुझे मालूम है आप सोच रहे हैं इस बार मैंने पीपीए किट क्यों नहीं पहना, क्योंकि मैं इस बार मुझे विंडो सीट मिला था और पीपीए किट सिर्फ मिडिल सीट जिनको मिलता है उनको ही प्रोवाइड किया जाता है। लैगेज भी दोस्तों मुझे बहुत ही जल्दी मिल गया, और दोस्तों एयर इंडिया में आप सेफली ट्रैवलिंग कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एयरक्राफ्ट के अंदर आपको कोई भी फूड सर्विंग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ एक छोटा सा पानी का बटन मिलेगा उससे आपको काम चलाना पड़ेगा, और आपको कुछ खाना है तो आपको खुद से लेके जाना है, लेके जाके आप खा सकते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों आप कमेंट करके बताओ आपका नेक्स्ट फ्लाइट कब है, या फिर एयरलाइंस के रिलेटेड कोई भी आपको सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर, और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का ID। तो दोस्तों मिलते हैं एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज। बाय बाय।